नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ओम प्रकाश राजभर को एक और बड़ा और तगड़ा झटका लग गया है। मऊ जनपद में शुक्रवार को सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता राजभर समेत 35 पदाधिकारियों ने एक बार फिर से पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही एक नई पार्टी बनने का भी ऐलान हो गया है। महेंद्र राजभर के समर्थन में नई पार्टी का ऐलान। वहीं मऊ के एक प्लाजा में आज महापंचायत बुलाकर नाराज सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के समर्थन में नई पार्टी गठन करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही नई पार्टी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की घोषणा कर दी गई है। कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर ने बताया कि नवरात्रि में पार्टी का गठन हो जाएगा। नई पार्टी के झंडे पर सुहलदेव की फोटो होगी। इस नई पार्टी में समाज के उपेक्षित कार्यकर्ताओं को जगह दिया जाएगा। नई पार्टी बनने से निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता राजभर, प्रदेश महासचिव लालजी राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष मऊ सोनू राजभर सहित तमाम बड़े नेताओं ने सुभाषपा पार्टी को छोड़ दिया है। ये बड़े सुभाषपा नेता भी दे चुके हैं इस्तीफा। ओम प्रकाश राजभर को पहला झटका वाराणसी में लगा था जब राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने पार्टी का साथ छोड़ा था। उसके कुछ ही दिन बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद छोटी पार्टियों के साथ नए गठबंधन को लेकर घोषणा भी की थी। शशि प्रताप के बाद महेंद्र राजभर ने भी सुभाषपा को बड़ा झटका दिया। तो वहीं पार्टी के उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ बड़ी संख्या में सुभाषपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर पर पार्टी जो है वो लगातार टूटती नजर आ रही है, उसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनका सियासी वर्चस्व बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उनके अपोजिशन के लोग पार्टी बनाकर एक बड़े गठन की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर लगातार ओम प्रकाश राजभर बौखलाए नजर आ रहे हैं और तमाम उन नेताओं को अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या 2024 तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी टिक पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।